ठंडा लग रहा था इसलिए अभी बैठ गए, क्योंकि हवा बहुत जोर है, बहुत तेज है, गाड़ी स्पीड में चल रहा है, रास्ता पूरा खाली है और रास्ता एकदम मक्खन की तरह एकदम साफ। शायद हम लोग पहुंच गए। कुछ ये व्यू है, पूरा सुनसान जंगल में आ गए। मैं रास्ते में देखा भैया को, भैया जा रहे थे जंगल में। ठीक है ब्रो। हाँ ठीक है भैया। तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है भैया। यहाँ का लोग बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छे और बहुत खुले दिल के लोग है। मतलब इतना अच्छा लग रहा है इन लोग से बात करके। चलिए चलते हैं जंगल में। अब भाई लाइफ में मैं पहली बार जंगल में जा रहा हूँ। कहने को जंगल पहले होता था वो सब, ये रियल जंगल में। और फर्स्ट टाइम बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही एडवेंचर प्लेस है। क्या करूँ यहाँ जंगल में, देखते हैं जाके। ओ माय गॉड, ये है अरुणाचल, रियल अरुणाचल प्रदेश। बस फैला देना और अपने भाई को सपोर्ट करो। ऐसा कोई भी आज तक नहीं दिखाया होगा आपको। मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी आज तक अरुणाचल प्रदेश में ऐसा नहीं दिखाया होगा। ये मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहा हूँ। जंगल में और बैम्बू लेने ही आए हैं भैया। और बहुत ही रिस्की और डेंजर भी होता है, क्योंकि एक बांस का ट्रेल गिर गया ना गलती से भी आपके हाथ में, तो वो जान जा सकता है भाई। देखो कैसे काटा जाता है। सबने से कुछ नहीं है ना। हाँ ये चिल्ला तो इसके लिए बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ये अपना भाई भी बहुत मेहनती है। तो हो गया अपना काम यहाँ पे, और भाई ने ये देखे मेरा सपना पूरा कर दिया। इसका जरूरी था थोड़ा जंगल वाला लाइफ। अरे अरे बाहर निकल गया। तो हो गया अपना जंगल वाला काम। मुझे लगा कि जंगल में शिकारी करने जा रहे हैं, पिकनिक बनाएंगे जंगल में, लेकिन नहीं, बांस वाला काम था। चलो आज नहीं तो परसों पिकनिक ज़रूर होगा, वो भी पहाड़ों पे। रोड देखो कितना सुनसान है। चलो यहाँ एक फोटो लेते हैं। हाँ निकलते हैं साथ में। साथ में हमने यहाँ पर पूजा में जा रहे हैं। पूजा में जा रहे हैं कोई छोटा में, हम लोग सामने जा रहे हैं लेकिन। और तो वहाँ से हम आएगा फिर वापस तो मिलेगा। आप रहिएगा, आप भी जाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप लोग के कारण हमको यहाँ पे आने का मौका मिला है। मोस्ट वेलकम आप तेजू के लिए। और आपका एक बार अच्छा क्या नाम था? मेरा हाँ। कुशल। मेरा नाम कुशल है। आपका? मेरा नाम यदयप्पा। यदयप्पा कुशल का यूट्यूब में पूरा सब्सक्राइबर और लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत मेहनत करके यहाँ तेजूपुर पहुँचा है जी, तो उसका बहुत ही प्यार दीजिएगा। सब लोग देख रहे हो मेरे पब्लिक लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं, बस आप लोग सपोर्ट करिए। हाँ। आप लोग सपोर्ट करिएगा तो हम इससे भी ऊपर तक पहाड़ पे जाएगा। और अरुणाचल सपोर्ट है, और अरुणाचल प्रदेश को हम बहुत सपोर्ट करना चाहता है, क्योंकि मेरा नेवर कंट्री ये स्टेट है। और यहाँ मैं चाहता हूँ कि टूरिस्ट लोग आए, यहाँ में टूरिस्ट लोग आएगा, टूरिस्ट अट्रैक्शन आएगा। क्या जरूरत है जम्मू कश्मीर जाने का, इतना अच्छा अच्छा प्लेस है।
नेचुरल ब्यूटीफुल है। भैया बोल रहे हैं तो आप लोग को आना होगा यहाँ घूमने के लिए। काम हो गया, अब जा रहे हैं वापस घर में। घर में मतलब भैया का घर में जा रहे हैं और वहाँ दिखाते हैं वहाँ क्या होता है। और वहाँ ड्रोन शॉट तो बाकी है, यहाँ तो लेता लेकिन थोड़ा तो टाइम बाउंड था। आज घर चल के आपसे बात कर रहे हैं, टोपी भी मिल जाएगा। नाला बोलते हैं ना, तो पहुँच गए हम लोग तेजू नाला। भैया का घर भी यहीं पे है। क्या अच्छा जगह में है, सामने में ब्रह्मपुत्र और नाला। उतरता है, पकड़िएगा भैया, उतर जाता है, ऑन है मेरा ही आ रहा था उल्टा। ओह पहुंच गए भाई लोग। थोड़े देर में आपसे मिलते हैं। पहुंच गया हम लोग भैया का घर में, पहुंच गया और भैया लोग काम कर रहा है और हम लोग अब यहां से एक झलक में कैमरा बदलते हैं और अपने पक्षी पे आते हैं। ये लोग पहला नज़र। पानी का आवाज़ आ रहा है वहाँ से, बहुत अच्छा आवाज़ आ रहा है, बहुत शांति सुकून है यहाँ पे। होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप लोग नए देख रहे हो तो, और पुराने तो करके रखे ही होंगे उम्मीद करता हूँ। और बस आज का वीडियो को इसी तरह एंड करते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में देख। तो भैया हम लोग जो जंगल में गया था बैम्बू लाने के लिए, वो हैंडमेड इसी तरीके से बास्केट बनाया जाता है। आप लोगों ने लाइफ में देखा नहीं होगा, हो सकता है आप लोग बिकते हुए देखे होंगे, लेकिन हमको दिखे रहा है, ये बनाया वाला दिखा रहा है। हाँ अच्छा, दारू के अभी तो ये मेरे भाई एक दिखाने जा रहे हैं कैसे बनाया जाता है। ये अभी अभी बनाया है। लगभग ये कितना टाइम लगता होगा ये बास्केट बनाने में? लगभग बड़ा में
आधा घंटा एक घंटा आधा घंटा ऐसे बचते। फिर भी बहुत फास्ट बना लेते हैं आप लोग, क्योंकि ये देखने में बहुत टफ भी लग रहा है और है भी, क्योंकि एक एक करके इस तरीके से बनाना पड़ता है। बहुत टफ है और हाथ भी कटता होगा इससे, बहुत ट्रिक से हाथ साथ कटता है। हम लोग के लिए बहुत डेंजर है, हम लोग का कल्चर जो है बहुत यूनिक है, मैंने इसी के साथ से बनाया जाता है, नहीं मिलता जुलता, बहुत तकलीफ है मैंने ऐसे। हो गया ना।